कि मैं इतना 1.5 घंटा ट्रैवल करके लगवाड़िया गया और फिर वहाँ पे भी काम हो नहीं पाया, इसलिए आई जस्ट टुक एन ऊबर, मैं फटाफट JFK चला गया। हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, ये वाला जो व्लॉग है वो कल के व्लॉग का कंटिन्यूएशन होने वाला है, सब समझ सकते हो, बिकॉज कल वाले व्लॉग में दोपहर को जब मैंने खाना खाया उसके बाद अभी अराउंड 4:30 एक्चुअली 5 को मैं निकला हूँ टू गो टू लगवाड़िया एयरपोर्ट, बिकॉज अभी मैं जो रेंटल कार पिकअप करने वाला हूँ टू पिकअप साइली फ्रॉम द एयरपोर्ट टुमारो, वो मैं लगवाड़िया से पिकअप करने वाला हूँ। व्हेन आई रीशेड्यूल्ड द प्राइसेस, तो मैं जब पहले बुक कर रहा था तब मैं नूवर्क से बुक कर रहा था, तब आई वॉज गेटिंग अ फुल सेडान फॉर ऑलमोस्ट $85 इंक्लूडिंग टैक्सेस। नाउ दैट प्राइस इज़ गॉन अप टू $107, तो फिर अगर मैं JFK से बुक करता तो फिर वो और भी ज़्यादा हो जाता, ऑलमोस्ट अराउंड 120-130, तो उतना एक्सपेंस करके पॉइंट नहीं है। ऑल्सो लगवाड़िया जाने के लिए इस मच चीपर, बिकॉज लगवाड़िया सीधा ट्रेन और बस जाता है, अनलाइक द JFK एयरपोर्ट जहाँ पे जाने के लिए आपको एयर ट्रेन लेना पड़ता है, तो टोटल खर्चा जिसका ऑलमोस्ट $10-$15 हो जाता है, एंड यहाँ पे इट्स जस्ट 2.75 मैक्स 550 अगर आप दो टिकट पकड़ो तो। बट एनीवेज, मैं भी जा रहा हूँ, एंड लकीली द वेदर टुडे इज़ वेरी नाइस, सनी और एकदम बहुत ही अच्छा था पूरा दिन, जैसा पीछे मैंने देख ही रहे होंगे। सो या, वैसे बर्फ़ पूरी तरह से पिघला नहीं है, ये इतना इतना बर्फ अभी भी है रास्ते पे, बट एटलीस्ट स्नोफॉल रुक गया, विच इज़ नाइस। ऑलराइट, तो अभी अपन आ गए हैं ब्रॉन्क्स के हार्लेम में, काफ़ी चर्चित एरिया है ये, और यहाँ से अभी अपन पकड़ने वाले सिलेक्ट बस सर्विस जो कुछ ऐसा दिखता है। सो वैसा वाला बस पकड़ के अपन जाएंगे अभी लगवाड़िया एयरपोर्ट। ऑलराइट, सो ये अपन आ गए हैं फाइनली एंटरप्राइज कार की लोकेशन पे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये शायद लोकेशन बंद है और कहीं और से पिकअप करना है, बट जो भी है जैसा भी, आई विल जस्ट गो इन एंड चेक। ओके, सो चलते चलते थोड़ा सा पोपट हो गया, वो जो लोकेशन था वो पुराना लोकेशन था एंड नया लोकेशन कहीं और है, तो गूगल मैप पर वो लोग ने अपडेट नहीं किया। मैंने अभी जिस ऐप से बुक किया था मैंने उस पर रीचेक किया, तो वो बता रहे कि नया लोकेशन जाने के लिए वापस बस लेके जाना पड़ेगा। मैंने ऊबर चेक किया तो ऊबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है वो ऐसा है कि 10-15 मिनट बाद आ रहा है। सो आई विल जस्ट वॉक टू द बस स्टॉप जो कि बस 2 मिनट दूरी है, एंड देन वहाँ से फिर बस पकड़ के आई विल गो टू द एंटरप्राइज कार रेंटल। वो लगवाड़िया एयरपोर्ट और ये कार रेंटल, फाइनली सही जगह पे आया अपन, फाइनली। हाँ, वो एक्चुअली पहले वाला जगह बहुत स्कैरी था, मतलब मुझे एक्चुअली वहाँ पे जाने के लिए भी डर लग रहा था कि मतलब बिकॉज एकदम सुनसान जगह थी, एंड आई नो न्यूयॉर्क ऐसा बहुत बड़ा शहर है, बट न्यूयॉर्क इज़ डेफिनेटली नॉट द सेफेस्ट आउट देयर। अभी काफ़ी सेफ बन गया है बट बहुत सेफ है नहीं, तो जितना हो सके ऑलवेज बी अवेयर। और ऐसे इस बार लक थोड़ा अच्छा नहीं चला, शेवरले मैलिबू मिली या कोई ऐसी भी अवेलेबल ही नहीं थी, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे सारे रिजर्वेशन पूरी तरह से फुल हो गए हैं, कोई कार ही अवेलेबल नहीं है कोई भी रेंटल कार कंपनी के पास, मतलब हर्ट्स में भी नहीं है, एंटरप्राइज में भी नहीं है, एलमो में नहीं है। आई डोंट नो व्हाई लोग इतने सारे कार रेंट करके कहाँ जा रहे हैं, मतलब एज फार एज आई नो कोई लॉन्ग वीकेंड भी नहीं है। एनीवेज, जो भी है जैसा भी है, दिस इज़ हाउ द कार लुक्स लाइक, इट इज़ अ फुल साइज सेडान, एंड बस यही लेके जाएंगे घर, इसमें छोटी सी ड्राइव करेंगे और उसके बाद जाएंगे। ऑलराइट, सो वी आर फाइनली गुड टू गो। अभी आई डोंट थिंक मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:12 एंड साइली का फ्लाइट थोड़ा सा डिले हुआ है, बट इट्स स्टिल गोइंग टू लैंड एट अराउंड 5, तो मुझे सुबह शायद 5 बजे उठ के जाना पड़ेगा। सो अभी ये यहाँ से निकलता है और देखते हैं, अगर मन किया तो थोड़ा बहुत घूम लूँगा, आपको भी दिखा दूँगा, नहीं तो फिर सीधा घर पर मिलेंगे। एंड सीधा घर पे आ गया, चलो आज घर पे जाते हैं, बट कल जब साइली को एक्चुअली लेने जाऊंगा तब अपन ड्राइव पे जाते हैं।
एंड लकीली पार्किंग मिल गई, एक ब्लॉक दूर है बट उतना चलता है, लाइक उतना की तो आदत हो ही गई है अभी की, मतलब उससे अगर कम में आपको पार्किंग मिल जाए तो फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझ सकते हो। सो या अच्छी पार्किंग मिली, कार इज नाइस एक्चुअली, मतलब जितना लगा था मुझे कि एवरेज होगी उतना एवरेज नहीं, इट्स एक्चुअली लिटिल मोर देन एवरेज, तो ओवरऑल गाड़ी का एक्सपीरियंस भी अच्छा था, चलाने के लिए इट्स वेरी स्मूथ, मतलब 0 to 100 किलोमीटर्स के आसपास स्पीड तक कब पहुंच जाती है। एंड आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब जीप लाई थी तब ये जो वाइट गाड़ी है यहाँ पे पार्किंग मिली थी। एनीवेज अभी अपन सीधा घर पे जाते हैं एंड आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स व्हिच आई एक्चुअली वेंट थ्रू व्हिच यू कैन बी केयरफुल अबाउट व्हाइल रेंटिंग अ कार। ऑलराइट, सो आई एम बैक होम एंड आई थिंक ये वाला ब्लॉग अपन यहीं पे रखते हैं बिकॉज मुझे जब मैं साइली को लेने जाऊँगा वो वाला ब्लॉग अलग रखना है बिकॉज काफ़ी कुछ स्पेशल चीज़ें आ रही है जो साइली लेके आ रही है, तो आई रियली वॉन्ट टू शो यू गाइज इन अ सेपरेट ब्लॉग, तो फिर वो आज का ब्लॉग अपन यही ख़त्म करेंगे। कुछ चीज़ें इफ़ यू आर इन द US स्पेशली इन अ स्टेट लाइक न्यूयॉर्क, मतलब बिकॉज आई कैन टॉक अबाउट न्यूयॉर्क राइट नाउ बिकॉज मैंने न्यूयॉर्क से कार्स रेंट की है, सो इफ़ यू हैव इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एंड अगर आप उस पर गाड़ी रेंट कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू कैरी योर पासपोर्ट एवरी टाइम। मैं आज तक कभी लेके नहीं गया बट वो समहाउ मेरा एक्सेप्ट करते थे, फिर इवन फोटो भी एक्सेप्ट करते थे, जब मैं लगवा दिया गया तब उन्होंने मेरा फोटो आईडी मतलब फोटो जो था पासपोर्ट का वो एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए आई टू गो फ्रॉम लगवाड़ी ऑल द वे टू JFK। ये एक बात मैंने बताया नहीं था बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था वहाँ पे कि मैं इतना 1.5 घंटा ट्रैवल करके लगवाड़िया गया फिर वहाँ पे भी काम हो नहीं पाया, इसलिए आई जस्ट टुक एन ऊबर, मैं फटाफट JFK चला गया। JFK पे एंटरप्राइज से मैंने पहले रेंट किया हुआ था गाड़ी, तो इसलिए दैट गाय एक्चुअली न्यू मी वेरी वेल, अगर आपको याद होगा जो फोर्ड एस्केप अपन ने न्यू ईयर्स के टाइम पर लिया था वो एंटरप्राइज से लिया था, सो वो बंदा मुझे उसने पहचान लिया एंड देन उसने मुझे बताया कि ये नया पॉलिसी है एंटरप्राइज का एंड बिकॉज कि मैंने उससे पहले से गाड़ी रेंट की हुई है एंड ही रिकग्नाइज मी, तो ही सेड कि इस बार के लिए आई कैन एक्सेप्ट योर फोटो पासपोर्ट का फोटो बट इसके बाद प्लीज़ ट्राई टू कैरी, तो फिर दिस इज़ अनदर थिंग दैट यू कैन बी अवेयर अबाउट इफ़ यू आर रेंटिंग अ कार फ्रॉम द US ऑन एन इंटरनेशनल लाइसेंस। अगर आपका यहाँ का लाइसेंस बन चुका है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी बहुत जल्दी अप्लाई करने वाला हूँ, फिलहाल थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए वो डिले हो गया, नहीं तो बहुत पहले ही मैं कर चुका होता अप्लाई फॉर न्यूयॉर्क स्टेट लाइसेंस। बट एनीवेज जो भी है जैसा भी है ये व्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। इट वॉज़न्ट अ हेक्टिक डे बट देन काफ़ी टायरिंग हो गया कि यहाँ से लगवाड़िया जाना, यू नो लाइक ट्रेन बस वगैरह बदल के एंड देन फिर वहाँ से वापस JFK जाना और फिर JFK से फिर घर पे आना, तो वो सारे चक्कर में मैं घर से निकला था 5 बजे एंड रिटर्न एट ऑलमोस्ट 9, तो फिर सिर्फ ट्रैवल करने में इतना सारे घंटे चले गए। एनीवेज तो मिलता हूँ उसे नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं एक्चुअली साइली को लेने जाऊँगा एंड वो जो चीज़ स्पेशल चीज़ लेके आ रही है वो आपको सबको दिखाऊंगा, सो सस्पेंस बना रहेगा। तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक किया नहीं तो एंड बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर आती रहे। तो मिलता हूँ उसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट।